हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सीरीज़ 2। तो इस सीरीज़ में हम हमारा खुद का घर, बड़ा सा घर बनाएंगे। उसके लिए हमको बड़ी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी और थोड़े से वुड भी काटने पड़ेंगे। तो चलो हम बड़ी सी जगह ढूंढते हैं घर बनाने के लिए। तो हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे तो इसलिए हमको प्लेन जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं, हम रास्ते में वुड मिलेगा तो वो भी काट के लेकर चल गए। ये वुड मिला है, काटते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ भी वुड है, चलो चलते आगे। बड़ी सी जगह मिलनी चाहिए जल्दी से। यहाँ है क्या बड़ी जगह? इधर भी नहीं है, इधर सब पेड़ ही पेड़ है। मैं तब तक बड़ी जगह ढूंढती हूँ, आप म्यूज़िक इंजॉय करें तब तक। Years later. तो गाइज, हमें फाइनली एक अच्छी सी जगह मिली है घर बनाने के लिए और ये बारिश भी शुरू हो गई। तो हम पहले थोड़ा सा वुड भी काट लेते हैं घर बनाने के लिए। और ये बारिश कभी भी आती है तो वुड हम कलेक्ट करते हैं। और इधर ज़ॉम्बी आ गया, इसको मारते हैं पहले। चलो हम फिर से वुड कलेक्ट करते हैं। फिर से ज़ॉम्बी आ गया, चलो वुड कलेक्ट करते हैं। हमको बहुत सारा वुड चाहिए होगा घर बनाने के लिए। इधर ट्री बहुत सारे हैं तो हमें वुड की कमी नहीं पड़ेगी। One hour later. तो गाइज, फाइनली हमको एक अच्छी सी जगह मिल गई और हम उधर के सारे पेड़ काट दिए और हमारे पास बहुत सारे वुड भी कलेक्ट कर दिए। और हम अब इधर घर बनाना शुरू करते और इधर डर्ट हटाते हैं और इधर वुड लगाते हैं। तो आगे भी वैसा ही करना है, इधर भी वुड लगाते हैं, इधर भी। अब हम घर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, हमारा वुड लगाने का काम तो हो गया। अब हम स्टोन की वॉल बनाएंगे। तो हम स्टोन लगाकर जल्दी ही मिलते हैं। तो गाइज, हमारी स्टोन की वॉल लगाकर तैयार हो गई। तो हमें
अब स्टेयर्स बनानी है। इसके लिए हमको स्टेयर्स बनानी पड़ेगी, तो हमें वहाँ स्टेयर्स लगानी होगी। तो हम स्टेयर्स पहले बनाते हैं, उसके लिए प्लैंक्स चाहिए होंगे और स्टेयर बन गई और ऐसे स्टेयर लगानी है यहाँ। तो स्टेयर लगा दी, ऐसे स्टेयर लगानी है। तो देख सकते हैं ऐसे ये गलत हो गई, इसको का तोड़। तो हमारे स्टेयर्स बनके रेडी हो गए। तो हमको उधर ऊपर स्लैब भी लगाना होगा, तो इधर से वुड लगाते जाते हैं हम। इधर लाइन से हमको वुड लगाना होगा, इधर बचा है एक, इधर भी लगाते हैं और इधर ये करते। और हमको ऊपर भी स्लैब लगाना होगा, तो हम ऊपर का काम भी करते हैं जल्दी ही। ये हो गया, तो हम क्राफ्टिंग टेबल पर हमको बनाना है ये प्लैंक्स बनाने हैं। हम स्लैब बनाएंगे उससे, काफ़ी सारे बना लिए हमने। और इधर लगाते हैं, देखो ऐसा लगाना है हमको। तो सारी जगह हम ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे स्लैब बनेगा। इससे हम फिर से नीचे आते हैं और नीचे से लगाएंगे हम। यहाँ भी लगाया, यहाँ भी। स्लैब का काम तो हो गया और अब हम ऊपर आए, ऊपर के वुड के पिलर्स लगाते हैं। ऊपर का भी रूम बनाना है हमको जल्दी जल्दी से, तो इधर वुड का पिलर भी लगा दिया और सब जल्दी जल्दी करना है हमको। तो यहाँ से भी जोड़ दिया और हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। और स्लैब भी हो गया, इधर से काट देते हैं। और इधर स्टेयर से उधर नहीं लगाना है, तो इधर स्टेयर्स अच्छे दिखने चाहिए, इसलिए हम इधर डोर भी लगाएंगे। डोर के ऊपर भी इधर हमारा स्टोन ख़त्म हो गया था, इसलिए हम स्टोन भी कलेक्ट करने आए हैं। तो जल्दी जल्दी से स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। हमें बहुत सारा स्टोन चाहिए होगा, क्योंकि हमको स्टोन की वॉल भी बनानी होगी ऊपर के रूम में। तो चलो हम स्टोन कलेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमारे स्टोन कलेक्ट करके हो गए और हम इधर वॉल लगाते हैं स्टोन के। तो ऐसे स्टोन की वॉल बनती है, तो हमें स्टोन इधर लगाते जाना है चारों तरफ। ये वॉल भी ख़त्म होने जा रही है, लास्ट है ये भी। तो हम वॉल लगाते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमारा वॉल लगाने का काम तो ख़त्म हो गया, तो हम अब करेंगे ऊपर के सीलिंग करने के लिए। तो हम अब जल्दी से सीलिंग करते हैं, जल्दी जल्दी से सीलिंग करके हम। तो हमारा स्लैब लगा कर तो हो गया, अब हम विंडो बनाएंगे। विंडो के लिए इधर के स्टोन हटाने पड़ेंगे, फिर विंडो हम बनाएंगे। ये भी है, ये भी काटेंगे, ये भी तोड़ेंगे। और इधर हम ग्लास बिठाएंगे, तो ये भी तोड़ते हैं। हमको चार ब्लॉक्स तोड़ने हैं,
ये भी तोड़ दिए। तो इधर हम ब्लॉक्स लगाते हैं, या तो हम यहाँ पे एक वुड की वॉल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक स्टेयर्स है तो अंदर जाने के लिए एक वॉल तो चाहिए, क्योंकि हमारा घर अच्छा दिखने चाहिए, इसलिए हम इधर वॉल बनाएंगे। तो हमारे पास डोर है तो हम डोर लेते हैं और इधर लगाते हैं। दो डोर लगा कर देखते हैं, लगा दिया, पर दो डोर तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम एक तोड़ देंगे। एक दो नहीं अच्छे लग रहे, एक ही अच्छे लगेगा, इसलिए हम एक तोड़ देते हैं। चलो तोड़ते हैं, इधर एक डोर तोड़ देते हैं और इधर भी वुड लगा देते हैं हम। टूट जा जल्दी, टूट गया। इधर भी वुड लगा देते हैं हम, एक ही डोर लगाते हैं और एक डोर तो अच्छा लग रहा है। तो हमारे विंडो का काम तो हो गया, पर विंडो में हमको ग्लास लगाना होगा। तो उधर हमको विंडो ग्लास बनाने के लिए तो सैंड चाहिए होगा, तो वो सामने है सैंड, तो हम उधर जाते हैं और सैंड कलेक्ट करते हैं और उसको मेल्ट करके ग्लास बनाते हैं। तो यहाँ ही सामने ही सैंड है, बहुत सारा कलेक्ट करेंगे और ग्लास बनाएंगे और इसको मेल्ट करने के लिए भी रखेंगे। तो जल्दी जल्दी से, इधर बहुत सारा सैंड है, सैंड जल्दी जल्दी से कलेक्ट करते हैं, इससे कलेक्ट जल्दी होगा। चलो करते सैंड कलेक्ट। तो गाइज हमने सैंड तो कलेक्ट कर लिया, अब जाते फर्नेस के पास और सैंड मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। इधर फर्नेस है और सैंड इधर रखते हैं और हम इधर रख दिया, और हम घर के पास जाते हैं। इधर भी वॉल लगानी है और डोर लगाना है, तो इधर स्टोन लगाते जाते हैं और इधर डोर के लिए भी जगह छोड़नी है, दो डोर लगाने हैं हमको। इधर तो एक एक्स्ट्रा लग गया है, ये भी तोड़ते हैं। तो डोर लगा दिया और स्टोन भी लगा दिया और हम क्राफ्टिंग टेबल के पास जाना है और हमको प्रेशर प्लेट और बटन भी बनाना है, स्टोन बटन। तो अब हम पहले स्टोन बटन बना लिया दो, और प्रेशर प्लेट भी बनानी है हमको, प्रेशर प्लेट भी बना लेते हैं। वुड की प्रेशर प्लेट बना लेते हैं और स्टोन की भी बनानी है, और वुड का भी बटन बनाना है हमको। तो प्रेशर प्लेट तो बना ली, अब वुड की बनानी है, वुड की भी बना ली प्रेशर प्लेट, और जाते हैं उधर लगाते हैं। चलो घर के पास जाते हैं और इधर लगाते हैं। तो गाइज हमारा फाइनली घर बनकर रेडी हो गया, आप पीछे देख सकते हो कितना प्यारा घर लग रहा है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको हाउस टूर कराती हूँ, तो चलो हम देखते हैं हमारा हाउस। चलो हम जाते हैं, हम घर के अंदर जाते हैं, पहला नीचे का रूम देखेंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो इस बटन दबाते हैं और इस बटन से डोर खुलता है, फिर से बंद होगा। चलो इधर हमारा फर्नेस वगैरह है, इधर चेस्ट है, उधर क्राफ्टिंग टेबल रखा है। तो हमारा रूम कैसा लग रहा है और हम इधर क्या क्या करें वो कमेंट में प्लीज़ लिख कर बताना हम, और क्या क्या रख सकते हैं इस रूम में। तो हम ऊपर का भी दिखाएंगे, ये नीचे का कैसा रूम लगा कमेंट में बताना। तो हम ऊपर जाएंगे, चलो ऊपर जाते हैं। ये प्लेट से वो दरवाज़ा खुल जाता है, इधर भी बटन है, इधर भी। चलो चलो ये देख सकते हैं प्यारा सा रूम है। ये स्टेयर्स चढ़ के आ गए तो इधर डोर है और इधर हमारा बेडरूम है, इधर बेड है सोने के लिए और इधर विंडो है। हम बाहर का ऐसा देख सकते हैं कैसा अच्छा नज़ारा है, पेड़ वगैरह है, देखो चारों तरफ है खिड़कियाँ, देख सकते हैं आप।
प्यारा सा रूम बन गया है। और क्या क्या कर सकते हैं कमेंट में बताना। देखो उधर बेड लगाया, इधर कुछ नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं घर में क्या क्या रख सकती हूँ वो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।